मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ महेंद्र शर्मा फ्रॉम सूरज स्कूल रेवाड़ी, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मणिपुर और हैदराबाद के एक्सेशन के रिगार्डिंग पढ़ा था कि दोनों को भारत में कैसे शामिल किया गया था। अगला हमारा टॉपिक है रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, कि स्टेट्स जो थे उनको कैसे रीऑर्गनाइज किया गया था, कि इंडिया जैसे काफ़ी स्टेट्स से बटा हुआ था तो उन स्टेट्स को रीऑर्गनाइज किया गया था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए, द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि नेशन बिल्डिंग की जो प्रोसेस थी वो पार्टीशन होने से या प्रिंसली स्टेट के इंटीग्रेशन से ख़त्म नहीं हुई, उसके अलावा भी हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा चैलेंज थे कंट्री के सामने। नाउ द चैलेंज वॉज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, अब चैलेंज था कि जो इंडियन स्टेट थे, इंडिया के अंदर जो भी स्टेट थे उनकी इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ किया जाए। दिस वॉज नॉट जस्ट ए मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का एक मैटर नहीं था, कोई छोटा मैटर नहीं था, ये भी काफ़ी उस समय आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा चैलेंज था। द बाउंड्रीज हैज़ टू बी ड्रॉन इन ए वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन, कि बाउंड्रीज को इस तरह से ड्रॉ करना था कि जिससे लिंग्विस्टिक और कल्चरल प्लूरलिटी एक देश की उस पर कोई भी रिफ्लेक्ट कुड बी रिफ्लेक्टेड, कि उसमें दिखे भी कि प्लूरलिटी कल्चरल और लिंग्विस्टिक विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन, कि देश की यूनिटी पर अफेक्ट किए बिना देश की बाउंड्रीज को, यानी कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज थी उनको ड्रॉ करना था। During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply conceded with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely power. अब जब ब्रिटिश का रूल था उस समय स्टेट की बाउंड्रीज थी उनको जो ड्रॉन किया जाता या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से कि अपने अकॉर्डिंग वो कर लेते थे, या सिंपली कंसाइड विद द टेरिटरीज एनेक्स, कि दूसरी कंट्रीज के साथ एनेक्स करके जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको कर लेती, या जो वहाँ की प्रिंसली पावर्स थी उनके बेसिस पर। मीन्स उस समय इतना वो नहीं था क्योंकि ब्रिटिश अकेले की पावर थी उनकी, और उनका जनरली आप कह सकते हो कि वहाँ पर डेमोक्रेसी तो उस समय थी नहीं, तो जैसा चाहते उस तरह से उसको मैनेज कर लेते थे। Our national movement had rejected these division as artificial, और हमारा जो national movement था उन्होंने जो division हुआ था उसे reject कर दिया था, and had promised the linguistic principle as the basis of formation of state, और उन्होंने ये promise किया था कि linguistic principle जो होगा, जो language के base पर generally states को form किया जाएगा। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, कि Congress का session हुआ था नागपुर में 1920 में, द प्रिंसिपल वॉज रिकोगनाइज ऑन द बेसिस ऑफ द रीऑर्गनाइजेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इट्सेल्फ, और उसमें जनरली कांग्रेस ने खुद ने पार्टी थी उन्होंने भी ये जनरली रिकोगनाइज किया था कि रीऑर्गनाइजेशन ऑफ कि उनको रीऑर्गनाइज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मैनी प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज वर क्रिएटेड बाई लिंग्विस्टिक जोन्स, कि लिंग्विस्टिक जोन्स के द्वारा काफ़ी जो प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटीज़ बनाई गई थी विच डिड नॉट फॉलो द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिन्होंने कि जो ब्रिटिश इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न था उसको फॉलो नहीं किया। थिंग्स चेंज्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन, कि पार्टीशन के बाद और इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। आवर लीडर्स फेल्ट दैट कार्विंग आउट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लीड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन, कि उस समय हमारे लीडर ये मान रहे थे कि अगर लैंग्वेज के बेस पर हमने नए स्टेट्स को अलग किया या नए स्टेट्स बनाए तो इससे देश में डिस्ट्रप्शन होगा, कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है और डिसइंटीग्रेशन हो सकता है कंट्री का। इट वॉज ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस, कि इसमें कहा कि अगर इस तरह से हम करने लगे तो इससे जो हमारी अटेंशन है दिस वुड ड्रॉ अटेंशन, कि हमारी जो अटेंशन है उन चीज़ों पर भी ले जाएगा कि जो उनसे दूर ले जाएगा, जो कि सोशल और इकोनॉमिक चैलेंज कंट्री इस समय जो फेस कर रहा है कि उनसे हम हट जाएंगे, क्योंकि मेनली सोशल और आप कह सकते हो कि उस समय इकोनॉमिक चैलेंज तो थे ही थे, और इसकी तरफ हमारा ध्यान आ जाएगा कि रीऑर्गनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की तरफ। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इसको हम अभी पोस्टपोन करते हैं। द नीड फॉर पोस्टपोनमेंट वॉज ऑल्सो फेल्ट बिकॉज द फेट ऑफ द प्रिंसली स्टेट हैड नॉट बीन डिसाइडेड,
और ये इसलिए भी पोस्टपोन किया था क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स भारत में मिलाए गए थे उनके रिगार्डिंग भी अभी पूरी तरह से कोई डिसीजन नहीं हुआ था कि उनके भाग्य के बारे में, यानी कि उनका कि भाई आगे वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश। और दूसरा एक और इशू था कि भाई पार्टीशन हुआ था उस समय काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, तो वो भी अभी एक फ्रेश था कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स को बांटें और देश में दोबारा से वायलेंस स्टार्ट हो जाए। तो उस समय जो गवर्नमेंट थी वो इस तरह का नहीं चाहती थी। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। अब नेशनल लीडरशिप का जो डिसीजन था उसको लोकल लीडर्स और लोगों ने चैलेंज किया। प्रोटेस्ट बिगन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस, कि जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस थी वहाँ पर जनरली तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज थे वहाँ पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसमें कि आज जो प्रेजेंट तमिलनाडु है वो भी उसमें आता था। पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स थे, केरला, कर्नाटका, ये पार्ट्स थे, इनमें इन चीज़ों के ऊपर मीन्स लिंग्विस्टिक बेस पर स्टेट्स के रिगार्डिंग डिमांड उठने लगी। द विशालांध्रा मूवमेंट एज द मूवमेंट फॉर ए सेपरेट आंध्र प्रदेश, की एक सेपरेट आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग जो मूवमेंट चलाया था, डिमांडेड दैट द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास। उसमें कहा गया कि तेलुगु स्पीकिंग जो एरियाज हैं उन्हें मद्रास से अलग किया जाए, विच देवर ए पार्ट एंड बी मेड इन टू ए सेपरेट आंध्र प्रोविंस, कि उनको अलग करके एक अलग से स्टेट बनाया जाए, आंध्र प्रोविंस यानी कि आंध्र नाम से एक स्टेट बनाया जाए। नियर ऑल द पोलिटिकल फोर्सेज इन द आंध्र रीजन वर इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक रिओर्गनाइजेशन ऑफ द देन मद्रास प्रोविंस। और उस समय जितनी भी पोलिटिकल पावर पार्टीज वहाँ पर थी वो आंध्र रीजन की, वो सभी ये चाहती थी कि लिंग्विस्टिक बेस पर मद्रास में से नया स्टेट बनाया जाए आंध्रा। तो वहाँ पर उस समय आप कह सकते हो कि आंध्र प्रदेश बनने के रिगार्डिंग वहाँ पर मूवमेंट शुरू होने लगा। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज ए रिजल्ट इन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वैक्सीनेशन। अब जनरली ये मूवमेंट अपना धीरे धीरे सफल होने लगा, इसका रिजल्ट यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ा। पोट्टी श्रीमालू जनरली ये लीडर थे, एक कांग्रेस लीडर एंड ए वेटरन गांधीयन, कांग्रेस की लीडर थे और एक गांधी जी के फॉलोअर भी थे। वेंट ऑन एन आइडेंटिफाई फास्ट, कि उन्होंने एक फास्ट रखा, दैट लेड टू हिज डेथ आफ्टर 56 डेज, कि उन्होंने फास्ट रखा जिसके कि 56 डेज के बाद उनकी डेथ हो गई, कि उन्होंने टिल डेथ तक आप कह सकते हो कि फास्ट रखा। दिस कॉज्ड ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन आंध्र रीजन, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वायलेंस हो गया, कि लोग भड़क गए कि उनके लीडर की डेथ हो चुकी है। पीपल इन लार्ज नंबर्स टुक ऑन द स्ट्रीट्स, लोग सड़कों पर आ गए, गलियों में आ गए। मैनी वर इंजर्ड, काफ़ी इंजर्ड हुए और काफ़ी लोग पुलिस फायरिंग में मारे गए। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट, और मद्रास के कई जो आप कह सकते हो MLAs लोकल वहाँ लीडर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट आंध्रा इन दिसंबर 1952, और इसके चलते हुए फाइनली 1952 दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को, एक सेपरेट आंध्र प्रदेश को का फॉर्मेशन को अनाउंस किया गया। ओके, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लिंग्विस्टिक बेस पर जो स्टेट बना है वो आंध्र प्रदेश बना हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये मैप दिखा रखा है, इंडिया आफ्टर रिओर्गनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन मैप 1961, कि 1961 के बाद देखिए ये जो स्टेट्स बनाए गए हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया हुआ है। तो ये मैप आप देखिएगा कि कौन कौन से स्टेट्स बनाए गए हैं उनके बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कि यहाँ पर देखिए ये कि अलग अलग ये कार्टून में दिखा रखा है कि ये अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं हर स्टेट के लोग, ठीक है ना, कोई महाराष्ट्र का है, कोई आप कह सकते हो कि कर्नाटक का है, गुजरात से, ये अलग अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। और ये बीच में जो बैठे हुए हैं नेहरू जी बैठे हुए हैं। देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश स्पर्ड द स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, देश के दूसरे हिस्से में भी लिंग्विस्टिक बेस पर नए स्टेट्स बनाने की डिमांड होने लगी। दिस स्ट्रगल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन टू अपॉइंटिंग ए स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन इन 1953। और जब ये स्ट्रगल को देखते हुए 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन को बनाया गया था, SRC बोला जाता है इसको, कि जिन्हें ये काम दिया गया कि भाई स्टेट रिओर्गनाइज की स्टेट्स को दोबारा से रिओर्गनाइज करने के लिए कमीशन बनाया गया। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट
एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, कि कमीशन के ने अपनी रिपोर्ट में जनरली एक्सेप्ट किया था कि जो स्टेट्स की बाउंड्रीज है शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्री, कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस की बाउंड्रीज को रिफ्लेक्ट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट्स। और इसकी रिपोर्ट के चलते हुए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया, पास किया गया 1956 में, और इसके चलते हुए 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज उस समय बनाई गई थी। तो ध्यान रखिए 1956 में जब ये एक्ट पास हो गया था और SRC की रिकमेंडेशन के बेस पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया को डिवाइड किया गया था। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर एक कार्टून और दिखाया हुआ है कि ये SRC का एक जिन है जो जनरली पूरे देश में उस समय हो रहा था, और इसको कैसे कंट्रोल किया गया, ये जो पूरे देश में उस समय आप कह सकते हो कि मूवमेंट चल रहा था, एक स्ट्रगल चल रहा था, तो इसको कैसे वो किया गया कि उन्होंने गवर्नमेंट ने एक SRC बनाया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया, जिससे कि जो इतना बड़ा जिन था ये इसमें बंद हो गया, यानी कि ये प्रॉब्लम वहीं पर स्टॉप हो गई। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न इन द अर्ली ईयर्स वॉज दैट डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट वुड एंडेंजर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। अब उस समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसर्न और था कि डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, देखो अभी तक तो बात थी कि भाई जनरली लिंग्विस्टिक बेस पर, अब सेपरेट स्टेट की डिमांड होने लगी जो कि इंडिया की कंट्री की यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशंस, कि ये माना गया कि ये महसूस किया गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो हैं वो जनरली सेपरेटिज्म को बढ़ाएंगे और नए जो स्टेट्स हैं उन पर प्रेशर अपना क्रिएट करेंगे। फाइनली मेड ए चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। इट वॉज होप्ड दैट इफ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन, कि ये आशा की गई कि यदि हम सभी रीजनल और लिंग्विस्टिक क्लेम्स को सभी रीजन्स के एक्सेप्ट करते हैं द थ्रेट ऑफ डिविजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड तो उन्होंने कहा कि जो डिविजन और सेपरेटिज्म का जो एक खतरा है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि अगर हम सभी स्टेट्स जो हैं सभी एरियाज हैं उनकी डिमांड को मान लेते हैं। बिसाइड द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। और जनरली एक तो रीजनल डिमांड्स को अकोमोडेट करना और दूसरा लिंग्विस्टिक स्टेट्स को फॉर्मेट करना, ये ऐसा लगा कि ये और ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, यानी कि सभी को पावर में शेयर किया जा रहा है, सभी को बराबर के अधिकार दिए जा रहे हैं। नाउ इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स सिंस द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, कि उसको बने हुए 50 के आजकल अगर हम बात करें मोर देन 60 ईयर्स हो चुके, वी कैन से दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड द मूवमेंट ऑफ द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो जो ये SRC लिंग्विस्टिक स्टेट्स को जो फॉर्म किया गया था उसने इंडिया की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसकी नेचर को चेंज कर दिया एंड लीडरशिप इन सम बेसिक वेज, और लीडरशिप को भी चेंज कर दिया। द पाथ ऑफ पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल, कि पॉलिटिक्स और पावर अब दोनों ओपन है लोगों के लिए, अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट्स, कि पहले जनरली स्पीकिंग केवल इंग्लिश बोलने वाले नहीं, सभी लोगों के लिए जनरली पॉलिटिक्स और पावर अब खुली हुई है। लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन वॉज गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्रॉइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन जो था उन्होंने कुछ यूनिफॉर्म बेसिस यानी कि कॉमन वो कि स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करने में, इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैड फियर्ड अर्लियर, कि ना तो इससे कोई देश का इंटीग्रेशन हुआ, कि पहले जनरली इस बात से डर रहे थे कि देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाए, डिसइंटीग्रेशन होगा, लेकिन अब ये खतरा भी खत्म हो चुका था। ऑन द कंट्री स्ट्रेंथन्ड नेशनल यूनिटी, बल्कि इसने देश की यूनिटी को और ज़्यादा मजबूत किया है। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी, कि सभी लिंग्विस्टिक स्टेट जो हैं वो डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। वेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, जब हम कहते हैं कि भाई इंडिया ने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया एम्ब्रेस्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इट डज नॉट सिंपली मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही एक डेमोक्रेटिक वे में है, मीन्स हम उसको फॉलो भी करें। नॉट डज इट मेयरली मीन दैट इंडिया अडॉप्टेड द फॉर्मेट ऑफ इलेक्शन, और ना ही ये कि भाई इंडिया ने इलेक्शंस के फॉर्मेट को वो किया है कि इलेक्शंस हो रहे हैं, बल्कि हमने जो डेमोक्रेसी है उसको पूरी तरह से लागू भी किया है। द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट, इट वॉज ए चॉइस इन फेवर ऑफ रिकोगनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंस
which could at times be oppositional. Democracy, in other words, was associated with plurality of ideas and way of life. तो जनरली इसमें आप यही बता रहे हैं कि जो हमने रीऑर्गेनाइजिंग और एक्सेप्ट किया डिफरेंसेस को भी एग्जिस्ट जो करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और डेमोक्रेसी को जनरली हमने आइडियाज ऑफ प्लोरलिटी पर बेस्ड है, वे ऑफ लाइफ, यानी कि हमने सभी लोगों की उनको बातों का माना है. मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वाज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. और आगे की जो पॉलिटिक्स है वो भी जनरली इसको अपने माइंड में रखेगी, इस फ्रेमवर्क को. तो कहने का मतलब है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स किया गया, कि जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, दोबारा से बनाया गया था, ठीक है ना, SRC को बनाया गया. अब स्टार्टिंग में तो ये डर लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं हम उससे स्टेट को, कंट्री को नुकसान हो, उसका डिसइंटीग्रेशन हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि SRC बनाने से कंट्री को और ज़्यादा बेनिफिट हुआ और उसकी यूनिटी मेंटेन रही. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसकी जो भी एक बार NCERT क्वेश्चन है इनको आप एक बार कीजिएगा और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.